जंगल में पहाड़ पर एक किला था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी रहती थी। किले के बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल पेड़ था जिस पर एक उल्लू रहता था। उल्लू भोजन की तलाश में नीचे घाटी में फैले चारागाहों में आता। चारागाहों की लंबी घासों व झाड़ियों में कई छोटे मोटे जीव व कीट पतंगे मिलते जिन्हें उल्लू भोजन बनाता। निकट ही एक बड़ी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता। उसे हंसों का तैरना व उड़ना मंत्रमुग्ध करता। उसकी बड़ी इच्छा थी कि हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उतरा। निकट ही एक बहुत शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ किनारे आया। तब उल्लू ने उससे बात करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। तभी हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर आते हो, क्या प्यास नहीं बुझी? हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति और ज्ञान के सागर हैं। मुझ में उसकी प्यास जाग गई है, वो कैसे बुझेगी? मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार जो मैं जानता हूँ वो आप भी जान लेंगे और मैं भी आपसे कुछ सीख लूंगा। इसके बाद हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वो वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र उल्लू को अपने घर ले गया और खूब आदर सत्कार किया। विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए। हंसराज के शाही ठाटवाट देखकर उल्लू को डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती न तोड़ ले। इसलिए स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए दावत के बाद घर जाते समय उसने कहा, हे हंसराज, मैं भी उल्लुओं का राजा उल्लूकराज हूँ। कृपा करके एक दिन मेरे महल में भी आप पधारें और मुझे भी आतिथ्य का मौका दें। हाँ, क्यों नहीं। ये कहकर हंस ने उल्लू को विदा किया। उल्लू घर जाते हुए सोचने लगा कि कैसे अपनी झूठ को सच साबित किया जाए। तभी उसकी नजर किले के भीतर हो रहे परेड पर पड़ी और उसे एक विचार आया और वो हंस के पास गया। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? हाँ मित्र, मैं आपको अपना घर दिखाने और आपको मेहमान बनाने के लिए आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना, अब मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। मित्र, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी चलेंगे। आज तो मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर उड़ते हुए उल्लू बोला, ये मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बिगुल बजाने लगे। इसे देख उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं, उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। नित्य की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा सचमुच उसी के लिए ये सब हो रहा है। अतः हंस ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंस राज मेरे अतिथि है, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे और सैनिकों का परेड निकले। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो गया। उधर सैनिक टुकड़ी का आज आखिरी दिन था। वे अपना सामान समेटकर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र, देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूँ। ऐसा कह वो करने लगा। सैनिकों के नायक ने
उल्लू का आना सुना। वह अपशकुन समझकर क्रोधित हुआ, तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वो तीर खाकर नीचे गिरा। वह फड़फड़ा कर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा। हाय, मैं अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया, धिक्कार है मुझ पर। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देखकर एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। शिक्षा: कभी भी झूठी शान के चक्कर में मत पड़ो। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।